सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फॉर विन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, यानी कि 12 और 13 अप्रैल 2018 से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। यहाँ पर हमने लिए हैं 15 क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन क्वेश्चंस को देख सकें, याद कर सकें और अपनी आने वाली परीक्षाओं में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जो नोट्स हैं, जो PDFs हैं, उनको अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आपका, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किस अभिनेता को मरणोपरांत दादा साहब फाल्के सम्मान देने की घोषणा की है। आपको 2-4 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप सोच सकें कि इस प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा है या नहीं। आप अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, उसके बाद आपको प्रश्न के उत्तर बताए जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया हो तो मैं बताती हूँ कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है आपका विनोद खन्ना। इसका आंसर होगा विनोद खन्ना। विनोद खन्ना जी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा में अपना विशेष योगदान देने के लिए मरणोपरांत दादा साहब फाल्के सम्मान देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को राजनीति हेतु आजीवन अयोग्य घोषित किया है। ये काफ़ी अभी चर्चा का विषय रहा है हाल ही में। तो ये कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनको, और ये पूर्व में प्रधानमंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान के, और इनको आजीवन यानी कि ये अब दोबारा राजनीति में कभी वापस नहीं आ सकते, कभी भी किसी पद पर ये नहीं खड़े हो सकते हैं, नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं, इनको पूरी तरीके से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो ये कौन से प्रधानमंत्री हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को आ गया होगा मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, और अगर ना आया हो तो मैं बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है नवाज शरीफ। इसका राइट आंसर होगा नवाज शरीफ। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों की कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा के फाइनल में वेल्स के केन चारिक को 10-0 से हराकर कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीत लिया है। जैसा कि आपको पता है अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, हमारे राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं, और उसमें भारत बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें महिलाओं का तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। स्वर्ण पे स्वर्ण हमारी भारत की झोली में आकर गिर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे कि किसने कौन सा पदक जीता। तो आप लोग ये अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आपको बताना है कि जो पहलवान बजरंग पुनिया हैं उन्होंने कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा के फाइनल में 10-0 से हराया है और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। तो आपका आंसर है 65 किलोग्राम। जो 65 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा हुई है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। आपसे ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है, उसमें ये दिया जा सकता है कि 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा के फाइनल में वेल्स के केन चारिक को हराकर कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक किसने जीता, तब आपको नाम देना होगा बजरंग पुनिया ने जीता। तो ये दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये पूछा जा सकता है किसने जीता, या ये पूछा जा सकता है कि कितने किलोग्राम की फ्री स्टाइल कुश्ती थी जिसमें इन्होंने स्वर्ण जीता, या हराने वाले का नाम भी पूछा जा सकता है। तो कई तरीके से एक क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम बताइए जिसके द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में कहा गया कि अर्थव्यवस्था के मामले में भारत 2018 में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत
2018 में चीन को भी पीछे छोड़ देगा, ये किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने कहा है? उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम बताना है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ये सर्वेक्षण किया है? तो इसका आंसर होगा सेक्टम वेल्थ मैनेजमेंट रिपोर्ट, ये इस संस्था का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा के उस 15 साल के निशानेबाज का नाम बताइए जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा के उस 15 साल के निशानेबाज का नाम बताना है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। जैसा मैंने अभी बताया और आप सब लोगों को भी ये बहुत अच्छे से पता होगा कि इस बार भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, काफ़ी सारे स्वर्ण पदक आ रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि ये किसने जीता है। तो इसका आंसर है अनीश भानवाला, जी हाँ ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं, हरियाणा के निशानेबाज हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है पिस्टल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। शहीद भगत सिंह को दिल्ली प्रवास में पनाह देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? दिल्ली प्रवास में पनाह देने वाले उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है जिन्होंने शहीद भगत सिंह को पनाह दी थी और उनका हाल ही में निधन हो गया है। उनका नाम है नसीम मिर्जा चंगेजी, जी हाँ इनका नाम है नसीम मिर्जा चंगेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में दक्षिण सागर में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? उस देश का नाम बताना है, वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में दक्षिण सागर में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? चीन। जब भी कोई बहुत बड़ी चीज़ करने की बात आती है तो अक्सर ऐसी चीज़ें चीन में होती हैं और इसका आंसर भी चीन है, तो इसका राइट आंसर है चीन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की डबल ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी का क्या नाम है? आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रमंडल खेल इस समय चल रहे हैं वो कौन से नंबर के हैं, तो ये आपके 21वें राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं, 21वें, और जैसा मैंने बताया कि महिलाओं का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, तो इस बार महिलाओं से प्रश्न यदि आएगा तो ज़रूर आएगा कि स्वर्ण, और महिलाओं ने बहुत सारे स्वर्ण जीते हैं, हर एक प्रतिस्पर्धा में जीत रही हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो राष्ट्रमंडल खेल जो हमारे 21वें राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं, महिलाओं की डबल ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी का नाम श्रेयसी सिंह, इनका नाम है श्रेयसी सिंह, ये आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, किस भारतीय निशानेबाज ने कॉमनवेल्थ गेम में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में स्वर्ण पदक जीत लिया है? किस भारतीय निशानेबाज ने कॉमनवेल्थ गेम में महिलाओं की 50 मीटर राइफल, यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होती है इनमें अंतर होता है कि कौन सी प्रतिस्पर्धा कौन सी है, तो इसमें कई बार नामों में कंफ्यूजन हो जाता है कि कोई नाम किसी में लिख दिया जाता है, गलती हो जाती है, तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन, क्योंकि स्वर्ण पदक तो कई में जीते हैं, जैसे यहाँ पर स्वर्ण पदक की बात हो रही है, जो ऊपर क्वेश्चन था उसमें भी स्वर्ण पदक था, पिस्टल राइफल निशानेबाजी ये एक से देखने सुनने में मतलब लगते हैं कि ये एक से हैं लेकिन ये एक से होते नहीं हैं, और डिस्टेंस भी होती है कि कितने मीटर की है, तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, तो इसमें आपको याद रखना है कि कितने मीटर में किसने जीता है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा तेजस्विनी सावंत, तेजस्विनी सावंत ने 50 मीटर, अगर 50 मीटर आता है तो आपको आंसर देना है तेजस्विनी सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में प्रतिष्ठित आतंकवाद विरोधी बल सुरक्षा गार्ड के रीजनल हब कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है किस शहर में, किस शहर में किया है, हैदराबाद में किया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली सरकार द्वारा स्कूली बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तक पढ़ने एवं गणित के प्रश्नों को हल करने में सक्षम बनाने हेतु चलाए गए अभियान का क्या नाम है?
काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी अभियान चलाए जाते हैं, उनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं, काफ़ी परीक्षाओं में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, तो ये जो जितने भी योजनाएँ और अभियान होते हैं, इनके नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मिशन बुनियाद। क्योंकि आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कोई बच्चे को पाठ्य पुस्तक पढ़ाना है, गणित के प्रश्न हल कराने हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर यानी कि हमें क्या करना है, उनकी बुनियाद मजबूत करनी है, उनका बेसिक्स जो है वो मजबूत करना है, वो क्लियर करना है। तो इसलिए इस मिशन का नाम रखा गया है मिशन बुनियाद। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बबीता फोगाट ने ऑस्ट्रेलिया में जारी 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में 8वें दिन महिलाओं की फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम यानी कि 53 किलोग्राम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। बबीता फोगाट, जो गीता फोगाट की बहन है, बबीता फोगाट ने ऑस्ट्रेलिया में जारी 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में 8वें दिन महिलाओं की फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। इन्होंने रजत पदक जीता है। आप लोगों को कॉमेंट करके ये बताना है कि बबीता फोगाट ने रजत पदक जीता है तो स्वर्ण पदक किसने जीता है। आपको बताना है कि महिलाओं की फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम स्पर्धा में अगर बबीता फोगाट ने रजत पदक जीता है तो स्वर्ण पदक किसने जीता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। किस महिला टीम की तेज गेंदबाज आन्या श्रबसोल क्रिकेट की मशहूर पत्रिका विजडन के कवर पेज पर फीचर होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इस प्रश्न का उत्तर सोचने की कोशिश कीजिए, अगर आता है तो दीजिए, नहीं आता है तो देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ये ऐसी पहली महिला क्रिकेटर हैं जो पत्रिका के कवर पेज पर फीचर होने वाली पहली महिला हैं, महिला क्रिकेटर। तो इसका आंसर है इंग्लैंड। आपसे पूछा जा रहा था कि किस महिला टीम की गेंदबाज, तो किस टीम की ये गेंदबाज है, इंग्लैंड की टीम की ये गेंदबाज है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग द्वारा बनाए गए पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम में क्षेत्र के विकास हेतु कितने सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई है। कितने सूत्रीय कार्यक्रम, 2 सूत्रीय, 5 सूत्रीय, 10 सूत्रीय, कितने सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई है। नीति आयोग यानी कि जो हमारा योजना आयोग था वो अब नीति आयोग हो गया है, तो अब आपको ये बताना है कि कितने सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर होगा 5 सूत्रीय, 5 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वह कौन सी बैंक है जिस पर RBI ने निर्देशों का पालन न करने पर, निर्देशों का पालन नहीं करने पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। उस बैंक का आपको नाम बताना है। अगर आप लोगों को उत्तर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा IDBI बैंक। इस बैंक पर RBI ने, जैसा कि आपको पता है कि RBI ही हमारे नोटों के लेन देन का सारा काम देखता है, तो उसके निर्देशों का पालन ना करने पर जुर्माना भी वो लगा सकता है, ऐसा उसको अधिकार है। तो 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किस बैंक पर लगाया गया है, IDBI बैंक के ऊपर ये जुर्माना लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके करंट से रिलेटेड थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, देखने से ही आप लोगों को लगा होगा कि हाँ, इसमें से कोई क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षा में आ सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। हमें फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक, कहीं पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई हैं, जहाँ से आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।